हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको सिंपल तरीके से मिरर लगाना बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप मिरर को फैब्रिक ग्लू की मदद से स्टिक कर लें ऐसा करने से हमें मिरर को स्ट्रेच करने में आसानी होगी मैं नॉर्मल थ्रेड यूज़ कर रही हूं इसलिए मैं फोर स्टैंड लूँगी अगर आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो थ्री स्टैंड लेना क्योंकि वो थोड़ा थिक होता है नॉर्मल थ्रेड से उसके बाद हम नेडल में उसे डाल लेंगे फोर स्टैंड को इस तरीके से हमारे पास एट स्टैंड आ जाएंगे हम नीचे से नॉट नहीं बनाएंगे हम फैब्रिक में ही नॉट बनाएंगे क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे से मतलब सिक्योर रहता है नॉट अगर हम यहाँ नॉट बनाते हैं तो वो निकल जाता है फैब्रिक में नॉट बनाने के लिए हम निडल को पहले फैब्रिक के अंदर डालेंगे और हल्का सा धागा बाहर निकाल के रखेंगे इस तरीके से उसके बाद फिर से हम निडल को बाजू से हम डालेंगे अंदर और जो हमारा थ्रेड है उसे हम घुमाते हुए निडल को ले लेंगे इस तरीके से नॉट बन जाएगा ये देखिए नॉट बन चुका है और नॉट काफ़ी सिक्योर रहता है क्योंकि ये फैब्रिक से अटैच होता है अब हम नीडल को जस्ट मिरर के बाजू से निकालेंगे उसके बाद हम needle को डायरेक्शन में वापस से डाल देंगे इस तरीके से एक line create हो जाएगा। ये देखिए। अब जहां हमने डाला है, उसी के जस्ट बाजू से हम नीडल को वापस निकालेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे हम सेम प्रोसेस वापस रिपीट करेंगे वापस से हम जहाँ डाले हैं उसी के बाजू से हम नेडल को निकालेंगे और अपोजिट डिरेक्शन में उसे डाल देंगे इस तरीके से एक बार और करेंगे और फिर बॉक्स शेप क्रिएट हो जाएगा जो हम राइट रॉन्ग खेलते हैं बस उसी तरीके से जहां से हमने लास्ट निडल निकाला है उसी के जस्ट बाजू से जहां ज्यादा स्पेस है, वहां से हम वापस निकालेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में डाल देंगे निकालने के बाद वापस जहां पर आपको ज्यादा स्पेस दिखाई दे बाजू में वहां से आप वापस निडल को निकाल लें और अपोजिट डायरेक्शन में डाल दें इस तरीके से हम जहाँ जहाँ गैप है उसे फिल कर लेंगे और मिरर को पूरा सिक्योर कर लेंगे अटैच कर लेंगे फैब्रिक में ये देखिए वापस से हम अपोज़िट डायरेक्शन में डालेंगे और इसी तरीके से एक लास्ट बार और करेंगे ये देखिए यहाँ पर हमें ज़्यादा स्पेस दिख रहा है तो हम निकालेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में डाल देंगे इस तरीके से अब मिरर पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है अब हम वापस नेडल को बाहर निकालेंगे और फिर हम अब बटन होल स्टिच डालना शुरू करेंगे थ्रेड के हम जो हमने फिक्स किया है और जो साइड में है वहाँ से हम नेडल को निकालेंगे और थ्रेड को नीचे रखते हुए बाहर करेंगे और थोड़ा खींचेंगे थ्रेड को ताकि वो एक शेप आ जाए वापिस से हम उसके बाजू करेंगे इसी तरीके से ये देखिए इसी तरीके से हम पूरे सर्कल में करते जाएंगे फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे अगर आपको इस कुर्ती और गरारे की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने प्लेन कुर्ती को मिरर की मदद से हैवी लुक दिया है आप कोई भी प्लेन कुर्ती को मिरर की मदद से हैवी और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं ये देखिए इस तरीके से हम पूरा सर्कल कवर कर लेंगे और जो लास्ट वाला होगा उसे हम स्टार्टिंग वाले के जो गैप होगा उसमें हम नीडल को डाल लेंगे डालने के बाद जैसा हमने स्टार्टिंग में नॉट बनाया था उसी तरीके से हम आखिरी में नॉट बनाएंगे ताकि वो फैब्रिक से फ़िक्स हो जाए ये देखिए बस हमें निडल को निकालना है और थ्रेड को घुमाते हुए नॉट बना लेना है अब हम कट कर लेंगे थ्रेड को ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा मिरर अटैच हो चुका है और कुर्ती में इस तरीके से मिरर लगाने से बहुत अच्छा लुक आता है कुर्ती में ये देखिए पूरा गरारे और कुर्ती का लुक